हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, यानी कि वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं जिनको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो आज हम जो ये एनर्जी देखने वाले हैं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है, यानी कि जिनके भी पर्सन से उनकी बात नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, यानी कि आपके पार्टनर से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आपने भी हो सकता है अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया हो, यानी आप दोनों ने किया हो या फिर किसी एक पर्सन ने भी ब्लॉक किया हुआ है। और आप जानना चाहते हैं कि जब उनसे आपकी बात नहीं हो रही है तो वो आपके बारे में आज रात क्या सोचेंगे, यानी कि क्या उन्हें आपकी याद आती है, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर वो आपको भूल कर लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। ओके व्यूअर्स, तो उन्हीं लोगों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग आज हम देखने वाले हैं, यानी कि देखने वाले हैं कि आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ओके, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। हमारे पास बॉटम ऑफ द कार्ड जो आया है वो आया है एग्जॉशन, और बाकी सारे जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, कंट्रोल, फ्लावरिंग, द रिबेल, मॉरेलिटी, कंपैरिजन, द मास्टर एंड द क्रिएटर। ओके, आज की रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप लड़का हैं, लड़की हैं, जो भी हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और किसी के लिए भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, अपने एक्स पार्टनर के लिए भी और अपने नेक्स्ट पार्टनर के लिए भी। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ जिस पर्सन की भी एनर्जी निकल के आई है वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने से, आपके बारे में सोचने से। और ये ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये अपने लिए टाइम चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये कुछ टाइम चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को सोचने के लिए कि क्या ये सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर आप सच में इनसे प्यार करते हैं। इस पर्सन को कुछ डाउट हैं खुद पर भी और आप पर भी, जिसकी वजह से ये टाइम लेना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपको इनकी बातों से या इनके बिहेवियर से ऐसा लगता हो कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देंगे, आपसे कोई वादा किया हो जो इन्होंने अभी तोड़ दिया है। तो हो सकता है ये पर्सन ना अपनी उन्हीं बातों पर कायम नहीं रह पाए हैं, जिसकी वजह से भी ये सोचना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि इनकी जो ख्यालात हैं आपको लेकर या फिर आपके लिए इनका जो प्यार है या आपका प्यार इनके लिए है, ये एक सा मतलब क्यों नहीं रह पाते हैं, यानी कि ये आपके लिए कोई एक डिसीज़न क्यों नहीं ले पाते हैं। ये आज सोचते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, कल फिर इनके दिल से ये बात निकल जाती है, इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस चीज़ को लेकर कि आपसे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए ये टाइम ले रहे हैं। और ये पर्सन अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं कि ये पास्ट में कितने हैप्पी थे या फिर अब आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद हैप्पी हैं या फिर ये आपके बिना हैप्पी रह पाएंगे। तो ये पर्सन ना काफ़ी कंफ्यूज्ड है और कंपेयर करते हैं ये पास्ट को प्रेजेंट को, या फिर अपना कोई इनका एक्स रहा है पास्ट में उससे भी कंपेयर करते हैं आपको, या फिर अब अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं तो उस पर्सन से भी आपको कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कोई भी एक डिसीजन पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं है कि आप पसंद नहीं हैं या ये आपको ऐसा नहीं मानते हैं कि आप किसी की ज़िंदगी में जाके उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर नहीं देंगे। इनको ऐसा लगता है कि आप जिस किसी की भी लाइफ का हिस्सा बनेंगे उसकी लाइफ को खुशियों से महका देंगे, यानी कि एक ऐसा फ्लावर की तरह है आप जिसकी खुशबू से ही उस इंसान के घर का आंगन महक जाएगा, उसकी ज़िंदगी खुशियों से महक जाएगी। तो ये पर्सन आपको एक ऐसे खुशबूदार फूल की तरह समझते हैं जो किसी की भी ज़िंदगी में खुशबू ला सकता है, उसकी ज़िंदगी को रोशन कर सकता है और एक बेहतर ज़िंदगी दे सकता है। ओके व्यूअर्स, तो ये पर्सन ना आपको काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, बट हाँ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, झिझक महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए क्योंकि ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में जिस किसी को भी शामिल करेंगे उसके साथ लाइफ टाइम रहने का सोचते हैं। ये पर्सन आज कुछ डिसीज़न लिया, कल कुछ डिसीज़न लिया, इस चीज़ से थक गए हैं।
जिसकी वजह से ये किसी एक डिसीज़न पर पहुंचना चाहते हैं और ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाना, ये ज़्यादा किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, किसी की नज़रिए से दुनिया को देखना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना। क्योंकि इस पर्सन ने पहले ना काफ़ी बचपन में आके बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी हैं, काफ़ी केयरफ्री नेचर रहा होगा इस पर्सन का, इनमें कॉन्शियसनेस की कमी थी। तो अब ये पर्सन ना चाहते हैं, जब से इनमें जागरूकता आई है एक्चुअली तब से ये चाहते हैं कि अब ये कोई एक डिसीज़न लें और वो डिसीज़न इनके लिए राइट हो। तो ये पर्सन ना आज रात आपके बारे में यही सोचने वाले हैं कि आप किसी की भी ज़िंदगी का हिस्सा बने, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे, बट हाँ ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले सोचना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके बाद ही आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देंगे या फिर दोबारा से रीयूनाइट होंगे आपके साथ। न्यू बिगनिंग तभी करेंगे जब ये किसी एक डिसीज़न पर पहुंच जाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में यही सब सोचने वाले हैं। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।